हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों आज हम लोग पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजी के चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए और अकॉर्डिंग टू नीट और अकॉर्डिंग टू बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, नीट का देखें या बोर्ड का देखें, दोनों में ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नीट के लिए तो 5 स्टार रेटिंग वाला ये टॉपिक है, इजी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। अब ये टॉपिक क्या है, शायद सामने अब तक देख चुके होंगे आप। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। लेक्चर नंबर 5। तो चलिए बात करते हैं नए टॉपिक पर। बच्चों कोई टॉपिक सरल और कठिन नहीं होता है, जो हमें समझ में आ जाए वो सरल है और जो समझ ना आए वो कठिन है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। बेटा इसे हम हिंदी में कहते हैं समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए समष्टि की जो बात हमने की थी या बेटा जो पॉपुलेशन की बात की गई थी वो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले बात यह थी कि पॉपुलेशन हम कहते किसे, पारस्परिक क्रियाएं तो बात की बात है और हमको बिल्कुल तुम पे विश्वास नहीं है, कल पढ़ाओ आज भूल जाते हो। मैंने आपको बताया था कि जब किसी कांस्टेंट प्लेस पर एक ही प्रकार के बहुत सारे सदस्य निवास करते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। अब बात करते हैं इंट्रैक्शंस की, इनके बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं की। ये फोटोग्राफ जो आप देख रहे हो इसमें एक पॉपुलेशन दिखाई गई जिराफ की, एक कांस्टेंट प्लेस है जहां पर एक ही जाति के कई सारे सदस्य आपको यहां पर दिख रहे हैं। अब बात आती पारस्परिक क्रियाओं की, जरा एक बार सोच के देखो। कि पूरे गांव में तुम अकेले हो, पूरे शहर में आपको अकेले छोड़ दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि पूरी इंडिया आपका, मगर उस इंडिया में केवल आप अकेले हो, क्या आप एग्जिस्ट कर सकते हो? क्या आप अकेले रह सकते हो? नहीं। दुनिया में कोई भी प्राणी इस धरती पर अकेले नहीं रह सकता है, उसके चारों तरफ पाए जाने वाले अन्य जातियों के साथ उसे व्यवहारिक होना पड़ता है, उनके साथ संबंध रखना पड़ता है। इसी संबंध को हम इंट्रैक्शन या
पारस्परिक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, दोबारा से इसको एक बार बोर्ड पर फिर से देखें, जैसे आप देख रहे हो यहां पर एक पॉपुलेशन ये है, दूसरी पॉपुलेशन इसके बगल में ये है, तीसरी पॉपुलेशन यहां पर मान लेते हैं कि ये है, एक पॉपुलेशन और है ये, इसके अलावा एक पॉपुलेशन यहां पर ये है, ऐसे हमारे चारों तरफ बहुत सारे पॉपुलेशन पाई जाती हैं। सपोज करो ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये रैबिट की पॉपुलेशन है, ये लिजर्ड यानी छिपकली की पॉपुलेशन, ये स्नेक की पॉपुलेशन है और ये बर्ड की पॉपुलेशन है। इनमें से कोई भी अकेले जीवित नहीं रह सकता है, सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, ये भी इससे रिलेट कर सकता है, ये इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, ये इससे और ये इससे रिलेट करता है। तो ऐसे सभी सजीव जो किसी एक क्षेत्र में पाए जाते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कभी आवास के मामले में, कभी भोजन के मामले में, कभी ऊर्जा स्थानांतरण के मामले में, एक जंतु दूसरे जंतु के साथ जुड़ा होता है। तो इस प्रकार एक समष्टि का, एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के साथ जुड़ने की घटना को हम समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं, इसका पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। इस पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के अंतर्गत सभी प्रकार के सजीव आवास और भोजन के लिए, फूड और स्पेस के लिए आपस में क्या करते हैं, आपस में बेटा स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। सहोपकारिता परजीविता और परभक्षण, इससे मतलब क्या हुआ? ये जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, जो अलग अलग प्रकार की जातियों के बीच, स्पीसीज के बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसे हो सकती है? कभी दो स्पीसीज एक ही रिसोर्सेस को प्राप्त करने के लिए आपस में कंपटीशन करती हैं, तो कभी एक दूसरे का सहयोग करती हैं, मुटलिज्म बोलते हैं इसे, और कभी भोजन के लिए एक प्राणी दूसरे प्राणी पर आश्रित होता है, तब इसे हम कहते हैं पैरासाइटिस या परजीविता। और कभी कभी एक सजीव दूसरे सजीव को अपना भोजन बनाता है, तो इसे बेटा हम कहते हैं प्रीडेशन। तो इस प्रकार एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपटीशन, मुटलिज्म, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन या स्पर्धा, सहोपकारिता, परजीविता और परभक्षण के द्वारा आपसी क्रियाओं को संपूर्ण करता है। और इसी को हम बेटा, इस प्रकार की जो रिलेशनशिप होती है, इन रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, पारस्परिक क्रिया करते हैं। कोई बिना मतलब में किसी से नहीं जुड़ा होता है, किसी न किसी वजह से जुड़ा होता है, निस्वार्थ सेवा नहीं इस दुनिया में किसी की भी। अब देखिए आगे आप देख सकते हो, फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इज कैन फीड। किसी भी जंतु की कम से कम दूसरे जंतु के साथ एक बेसिक आवश्यकता होती है भोजन, और इस भोजन के आधार पर कोई खाता है और कोई खाया जाता है।
इस प्रकार से पारस्परिक क्रियाओं को पूरा करते हैं सभी प्रकार के जंतु। दूसरी तरफ अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे भी कहीं ना कहीं पर डिपेंड होते हैं। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश आएगा, इन पत्तियों पे पड़ेगा और ये पत्तियां क्या बनाएंगी, भोजन। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये फूड बनाती है। मतलब कोई भी सजीव अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इवन ए प्लांट स्पीसीज विच मेक्स इट्स ऑन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन, इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक कि कोई भी पादप स्पीसीज यानी पादप जाति अपने भोजन को बनाने के लिए अकेले नहीं रह सकती है। इसे भी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सॉइल की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ते हैं और सॉइल में मिलाते हैं और फिर से ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को मृदा में भेजते हैं जिससे पौधे यहाँ से एब्जॉर्ब करते और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जंतुओं की तो बात छोड़िए, पौधे भी आपस में अकेले नहीं रह सकते हैं, इन्हें भी इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट रहने के लिए किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, किसी न किसी के साथ पारस्परिक क्रिया करनी होती है। अब चलिए बात करते हैं आगे। इवन मिनिमल कम्युनिटीज मैनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट अलोंग सॉरी एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडली विजिबल। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी प्रकार की जातियां कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ निर्भरता पारस्परिक क्रिया का प्रदर्शन करती हैं। कई बार ये चीज़ें दिखती हैं हमें और कई बार बेटा नहीं दिखती। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बात करते हैं इंटर स्पीसी स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। इस बात का मतलब है दो अलग अलग जातियों के बीच पारस्परिक निर्भरता या क्रिया, और इसी को हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहा जाता है। अब इसमें एक चीज यहां पर आप देखेंगे, मान लेते हैं बेटा यहां पर कि कोई दो जातियां हैं जिनमें से एक ए जाती है और दूसरी बी जाती है। दो प्रकार की स्पीसीज है, एक ए जाती है और दूसरी बी जाती है। अगर ये लाभ के लिए आपस में इंटरेक्ट कर रही है, जैसे दोनों जातियों को लाभ हो रहा है, सपोज करो कि तुम एक अलग जाति हो स्टूडेंट जाति, हम एक टीचर्स जाति के हैं, हम दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। कैसे, मैं आपको शिक्षा देता हूं उससे तुम्हें लाभ हो रहा है, तो इसके लिए हम पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे, बदले में आप हमें फीस देते हैं तो हमें भी लाभ हुआ। तो इस प्रकार जब दो जातियां आपस में लाभान्वित होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं फॉर ईच अदर, तो उसके लिए हम यहां पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंतर्गत
पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे, राइट। अब मान लीजिए कोई एक जाति पॉजिटिव है और दूसरी निगेटिव है, यानी हार्मफुल एक्टिविटी के लिए हम किस साइन का प्रयोग करेंगे? असाइनिंग ए प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, साइन फॉर डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल एंड जीरो फॉर न्यूट्रल इंट्रैक्शन। डेट्रीमेंटल का मतलब जिसको हानि होती है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये माइनस का साइन जो हमने लगाया, ये माइनस का साइन जो है वो डेट्रीमेंटल या हानिकारक, हार्मफुल के लिए होता है। जैसे बाज ने रैबिट को खा लिया तो रैबिट की तो जान चली गई भैया, तो उसको नुकसान हुआ, यानी इसके लिए ये डेट्रीमेंटल या हानिकारक परस्पर क्रिया थी, लेकिन बाज को लाभ हुआ तो उसके लिए पॉजिटिव साइन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक जाति को लाभ होता है तो प्लस साइन, दूसरी वाली जाति को न लाभ होता है न हानि होती है, मान लीजिए यहां पर जीरो, आगे उदाहरण बताऊंगा मैं, तो जिसको न लाभ हुआ न हानि हुआ उसके लिए हम जीरो साइन का प्रयोग करते हैं। दोबारा से सुने, पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत प्लस माइनस और जीरो साइन का प्रयोग करते हैं। अगर रिएक्शन बेनिफिशियल है, इंट्रैक्शन बेनिफिशियल है तो पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे, अगर निगेटिव है तो माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, यानी हार्मफुल है या डेट्रीमेंटल है, और अगर ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है तो इसके लिए हम यूज करेंगे जीरो साइन का, यानी न्यूट्रल के। आई थिंक समझ में आ गया। रटते हो या रटो नहीं किसी चीज को, पहले बात को समझा करो। अब देखिए इस जगह पर मैंने आपको इंट्रैक्शन बिटवीन स्पीसीज ये सामने आपको दिखाया कि इतने प्रकार के इंट्रैक्शन हमको पढ़ने यहाँ पर, या इतने प्रकार के पॉपुलेशन इंट्रैक्शन होते हैं। जैसे नंबर एक पर हम लेते हैं मुटलिज्म, ये आप देख रहे हो मुटलिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं सहोपकारिता। ये क्या होता है, ये बात की बात है, पहले हमें ये देखना है कि इंट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है कंपटीशन, ये इसे हम कहते हैं स्पर्धा। तीसरा होता है परभक्षण या प्रिडेशन, एवेंसलिज्म को आप एवेंसलिज्म ही रहने दीजिए, और कॉमेंसलिज्म को कहते हैं सहजीविता, एक तरह से कह सकते हो। पैरासाइटिज्म आप जानते हो, इसको परजीविता कहा जाता है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह था कि दो जातियां आपस में एक दूसरे के साथ मोटलिस्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म और पैरासाइटिज्म के द्वारा आपस में एक दूसरे को इंट्रैक्ट करती हैं। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे की बात करें, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में परिचय देते हैं। बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन मुटलिज्म एंड बोथ लॉस इन कंपटीशन इन देयर इंट्रैक्शन विद ईच अदर। पहली बात हमने की यहां पर मुटलिज्म की, इसमें क्या होता है कि ए जाति को भी लाभ होता है और इसके साथ साथ बी जाति को भी लाभ होता है, यानी दोनों हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन कराते हैं, रिसोर्सेस के लिए झगड़ा नहीं करते, कंपटीशन नहीं करते हैं,
बल्कि एक दूसरे के सहयोग के द्वारा दोनों लाभान्वित होते हैं। जब कभी ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं मुटलिज्म। राइट नाउ, एक खत्म मतलब दूसरा भी खत्म। आई कॉन्ट लाइफ विदाउट यू, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। विद्यार्थी नहीं होगा तो सर खत्म, सर नहीं होंगे तो विद्यार्थी खत्म। हम नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन, और तुम नहीं होगे तो हम पढ़ाएंगे किसको। दोनों सहयोग करते हैं, एक दूसरे को लाभ होता है। इस प्रकार का इंट्रैक्शन मुटलिज्म कहलाता है। दैट्स ओवर। दूसरी बात करें, द इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड। अगर किसी प्रकार की पारस्परिक क्रिया में एक जाति को लाभ हो एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म का मतलब यह हुआ कि एक को लाभ हुआ और एक को ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो ऐसी घटना को हम कॉमेंसलिज्म कहते हैं। ये देखिए, एमेंसलिज्म में देखिए क्या कह रहा है। एमेंसलिज्म, ऑन अदर हैंड वन स्पीसीज इज हार्म वेयर द अदर इज अनअफेक्टेड। तो फिर यहां गड़बड़ हो गया, यहां पे माइनस आएगा। एमेंसलिज्म में क्या कह रहा है कि एक जाति को नुकसान होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, यानी माइनस और जीरो का साइन यहां पर आएगा। क्लियर हो गई सारी बात। आगे की बात करें अगर, तो एक बार फाइनली आप इसे देख सकते हो यहां पर, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन और उसके टाइप की अगर बात करें यहां पर, अब आपको दिख रहा होगा। देखो, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देख लो और इसको याद कर लो तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे मुटलिक में क्या हो रहा है, स्पीसीज ए को लाभ हो रहा है और बी को भी लाभ हो रहा है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। कंपटीशन में क्या हो रहा है, दोनों जातियों को हानि होती है हमेशा। जब भी कोई दो जंतु एक ही रिसोर्सेस के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं तो दोनों को क्या होता है, हानि होता है। प्रेडेशन में क्या होता है, एक जंतु दूसरे जंतु का भक्षण करता है तो जो खाया जाता है उसका नुकसान होगा, जिसने खाया उसको लाभ हुआ। पैरासाइट में भी यही होता है कि परजीवी को हमेशा लाभ होता है और होस्ट को हमेशा नुकसान होता है। ये पैरासाइट है, ये होस्ट है। कॉमेंसलिज्म में क्या हो रहा है कि एक को पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, दूसरे को ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, यानी जीरो आएगा। एमेंसलिज्म में भी यही बात आएगी कि एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। क्लियर हो गई सारी बात। और बेटा, ऐसे रिश्ते हमारे आपस में ह्यूमन बींग्स के बीच भी होते रहते हैं। कई बार बहुत स्वार्थी लोग होते हैं, कई बार कुछ लोग मदद कर देते हैं, कई बार कुछ मर्सी करने वाले लोग होते हैं। 10 रुपये तुमने किसी भिखारी को दे दिए, ये भी एक इंट्रैक्शन है। अब ये दो पॉपुलेशन के बीच नहीं है, दो व्यक्तियों, दो एक ही दो इंडिविजुअल्स के बीच इंट्रैक्शन है। तुमने 10 रुपये दे दिए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, 10 रुपये में उसने रोटी खा ली, उसको लाभ हो गया। तो एक को नुकसान नहीं हुआ, एक क्या हुआ, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ एक को, लेकिन दूसरे को क्या हो गया, लाभ हो गया। अब इस लिस्ट में ढूंढो कहाँ पे ऐसा है जहाँ एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा। बेटा, कॉमेंसलिज्म आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया? तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नई क्लास में। और नई क्लास जब हम लेके आएंगे तो ये मुटलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म को अलग अलग करके आपको विद एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। दैट इज आज की क्लास बेटा केवल इंट्रोडक्शन था। किस बात के लिए? पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन के लिए। बाय बाय बच्चों।